Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the alkaloids, about their introduction, their occurrence, their importance, their functions, their properties, about their simple nomenclature and the classification, followed by the isolation. इसकी जो बेसिक चीज है ये बिल्कुल वैसी ही रहेंगी जैसे कि हमने टर्पिनॉइड्स के बारे में लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था. जो आपके एल्कलॉइड्स हैं इनकी और टर्पिनॉइड्स की डेफिनेशन में एक स्लाइट डिफरेंस है. वो क्या कि जो एल्कलॉइड्स होते हैं, पहली चीज जैसे टर्पिनॉइड्स थे वो भी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं आपके, वो आपके जो ओरिजिनल प्लांट पार्ट जिसे आप एसेंशियल ऑयल कहते थे, आपने पढ़ा था ना लास्ट टाइम डेफिनेशन कि व्हाट आर द एसेंशियल ऑयल्स. तो हमने कहा था द ऑयल्स व्हिच आर ऑब्टेंड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट पार्ट आर कॉल्ड एज द एसेंशियल ऑयल्स. तो मीन्स एल्कलॉइड्स भी क्या है, दे आर द नेचुरल, ये भी नेचुरल कंपाउंड है. दे आर एल्कली और द बेसिक, ये आपके एल्कली है बेसिक है. दे आर मोस्टली द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. आपने देखा था टर्पिनॉइड्स में तो जो आपके सिलेबाई के अंदर थे सिट्रल रेनियोल, वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स थे, लेकिन जो एल्कलॉइड्स हैं दे आर जनरली द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. इनके अंदर इनका जो स्केलेटन होगा, इनकी जो मेन स्ट्रक्चर होगी, उनके अंदर आपको एक हीट्रोसाइक्लिक रिंग भी दिखाई देगा. और उस हीट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर जो हीट्रो एटम होगा उसके पास कम से कम एक नाइट्रोजन एटम आपको जरूर दिखाई देगा इन मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स. तो ये चीज अलग है आपकी टर्पिनॉइड्स से. दूसरी बात, जैसे हमने बता दिया दे आर द नेचुरली अकरिंग प्लांट कंपाउंड्स, मींस दे अकर इन द प्लांट्स एंड दे हैव द फिजियोलॉजिकल एक्शन. और इनका जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो क्यूरेटिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि जो आपका ड्रग्स वाला टॉपिक था हमने पढ़ाया था, हमने बताया था कि कोई भी जो कंपाउंड है, कोई जो केमिकल है, वो अपने दो तरह के एक्शन दिखा सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर अमाउंट, अमाउंट के बेसिस के ऊपर. कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि उसको लिमिटेड अमाउंट में ले एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप लेते हैं तो मेडिसिन का काम करते हैं. अगर आपने अमाउंट ज्यादा कर दी तो फिर वो आपके पॉइजन का काम कर सकते हैं. सिमिलरली जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं इनका भी क्यूरेटिव एक्शन भी हो सकता है और इनका डिस्ट्रक्टिव एक्शन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोनीन, ये एक ऐसा एल्कलॉइड है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द सोक्रेट्स, कि जिसकी वजह से सोक्रेट्स की क्या हुई थी, डेथ हुई थी. ये स्ट्रक्चर है कोनीन की. नेक्स्ट निकोटीन, निकोटीन एक ऐसा एल्कलॉइड है विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम द निकोटिनिया टोबैकम एल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लंग कैंसर, जिससे कि लंग कैंसर हो जाता है. ये आपके निकोटीन की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि हिट्रोसाइक्लिक रिंग है. आप ऊपर कोनीन की स्ट्रक्चर देखें, उसके अंदर भी एक हिट्रोसाइक्लिक रिंग है. और वो हिट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सा है, वो है आपका, बोलो कौन सा, पिप्रिडिन. ये आपका पिप्रिडिन रिंग है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज द पिप्रिडिन. अगर इसके अंदर डबल सिंगल डबल बॉन्ड आ जाते हैं बेंजीन रिंग की तरह तो आप उसे पिरिडिन रिंग कहते हैं. जैसे निकोटीन में दिख रहा है, निकोटीन के अंदर आपको क्या दिखाई दिया, देर इज ए, देखो दैट इज द पिरिडिन रिंग. एक तो बोलो कौन सा रिंग है ये पिरिडिन रिंग है यहाँ पे. और दूसरा कौन सा रिंग है, देखो आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर, जब हमने आपको पढ़ाया था एक पायरोल होता है पायरोल, तो यहाँ पे ये पायरोल कौन होता है, जब इसके अंदर देखो अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, देखो यहाँ पे अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, पायरोल रिंग कहलाता है. लेकिन अब डबल बॉन्ड नहीं है, नाउ इट इज कॉल्ड एज द पायरोलिडीन रिंग. ये एक पायरोलिडीन रिंग है. तो इसके अंदर दो दो हीट्रोसाइक्लिक रिंग हो गए, निकोटीन के अंदर वन इज द पिरिडिन रिंग, अदर वन इज द पायरोलिडीन रिंग. आपके नेक्स्ट हम लेते हैं एट्रोपिन. एट्रोपिन एक ऐसा एल्कलॉइड है विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम द बेलेडोना प्लांट एंड इट इज यूज्ड फॉर द डायलेशन ऑफ द पुपिल ऑफ द आई. जो आई सर्जन होते हैं उस जनरली जब आई पुपिल का डायलेशन करना है, जो चेक करते हैं आई का, तो उसके दौरान वो इस एल्कलॉइड को यूज करते हैं. ये स्ट्रक्चर है आपके सामने एट्रोपिन की. इसके अंदर आपको दिख रहा है, देखो ये जो रिंग है, देखो ये एक साइक्लिक रिंग है. कितने मेंबर रिंग है बोलो इसमें, देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 मेंबर आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गया. इस पॉइंट से अगर आप देखें और नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट एज ए हीटर एटम. अगर दूसरी साइड से आप देखें, देखो ये बाइसाइक्लिक रिंग होगी ना, दो दो रिंग है आपस में कनेक्टेड है, देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 मेंबर रिंग हो गया यहाँ पे. तो मीन्स देर आर टू रिंग्स विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जिनके बीच में आपके कॉमन कितने एटम है, देखो जिनके थ्रू अटैच होते हैं, दीज आर दी ब्रिज एटम. ये ब्रिज एटम होते हैं. कैसे एटम होते हैं, दीज आर दी ब्रिज एटम. अपने बाइसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में भी पढ़ा था. तो ये स्ट्रक्चर एट्रोपिन की है. पिप्रिन नेक्स्ट आ जाता है. पिप्रिन, पिप्रिन इज एन एल्कलॉइड. देखो ये स्ट्रक्चर पिप्रिन की आपके सामने. पिप्रिन इज एन एल्कलॉइड विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम द ब्लैक पेपर.
प्लांट एंड इट इज नीदर बेसिक नॉर पोजेसेस एनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. हमने देखा था एल्कलाइड की डेफिनेशन के अंदर क्या देखा था कि एल्कलाइड वो कंपाउंड होते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है, जो कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है उनके अंदर कुछ ना कुछ होती है, तो ये उस डेफिनेशन के साथ मैच नहीं करता. आप ध्यान भी देना, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताएं भी कि वो कौन सा एल्कलाइड है, वो कौन सा एल्कलाइड है जो बेसिक डेफिनेशन है जो एल्कलाइड की उसके साथ मैच नहीं करता. लेकिन इवन दो इट इज ए एल्कलाइड फिर भी वो एल्कलाइड है, दैट इज द पिप्रिन, वो आपका पिप्रिन है, एग्जाम में हिसाब से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट मॉर्फिन, तो मॉर्फिन एक ऐसा एल्कलाइड है विच इज ए वेरी पावरफुल एनर्जेसिक, जो एक पावरफुल एनर्जेसिक का काम भी करता है. इसकी स्ट्रक्चर भी आगे हम आपको दिखाएंगे. ये पेन किलर का काम करता है. एनर्जेसिक कौन से केमिकल होते हैं, द केमिकल्स मींस विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द पेन, बॉडी पेन को रिलीव मिलता है इससे, तो इन्हें पेन किलर्स भी कह देते हैं. तो एल्कलाइड पावरफुल एनर्जेसिक होते हैं. मॉर्फिन जो मॉर्फिन है इट इज सच टाइप ऑफ एल्कलाइड विच इज ए पावरफुल एनर्जेसिक, पेन किलर का काम करता है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज द बोलो क्या हेलुसिनेशन, मतलब के इसको लेने के बाद दुनिया जो पर्सन है वो अपनी अलग ही दुनिया में चला जाता है और पर्सन इसके एडिक्ट भी हो जाएंगे, एडिक्शन हो जाती है इसकी. मींस पर्सन बिकम एडिक्टेड टू द मॉर्फिन एंड बिकम अनअवेयर अबाउट देयर एनवायरनमेंट, मींस दे बिकम हैप्पी इन इटसेल्फ एंड दे सी ऑल दोस थिंग्स व्हिच वी डोंट सी विद एन ओपन आईज, ए नॉर्मल पर्सन कैन नॉट सी विद देयर ओपन आई, मींस उनकी अपनी ही दुनिया हो जाती है. तो मिस मॉर्फिन यानी बंदे के एडिक्शन कर देता है, तो इस ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए. डॉक्टर सिर्फ इस ड्रग को कब देते हैं, जब उनको पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट दिखती है कि इस ड्रग के बिना उस पर्सन को ठीक नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट वेसरपाइन, ये एक ऐसा एल्कलाइड है विच कॉजेस द हाइपरटेंशन, मेंटल जो डिसऑर्डरनेस है उसके दौरान उसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट हमारा जो एल्कलाइड है दैट इज द स्ट्रैकनिन. स्ट्रैकनिन एक ऐसा हाईली पॉइजनस एल्कलाइड है जो किसमें यूज होगा, इट इज जनरली बीन यूज्ड इन द कार्डियक डिसऑर्डर्स. ये कार्डियक डिसऑर्डर मींस हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उसके दौरान अक्सर इनको यूज किया जाता है. एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिपेलिंग द रोडेंट्स, घर में जैसे चूहे हो गए उनको भगाने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है. तो अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई कि व्हाट आर द एल्कलाइड्स. तो अभी हमने आपको बताया था ना कि एल्कलाइड्स ऐसे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड हैं जिनका नेचर बेसिक होता है, जिनके अंदर कोई ना कोई हेटरोसाइक्लिक रिंग होगा. हेटरोसाइक्लिक जो एटम होगा वो कौन होगा, आपका नाइट्रोजन. वैसे तो देखो हेटरोसाइक्लिक एटम और भी हो सकते हैं, मींस द एटम एक्सेप्ट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑल कॉल्ड द हेटरो एटम, वो हेटरो एटम कहलाते हैं. आपके हेटरो एटम कौन हो गए, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम है ऑल आर द हेटरो एटम. ऑक्सीजन भी उसी कैटेगरी में आ जाता है, नाइट्रोजन भी उसी कैटेगरी में आ गया, सल्फर आ गया, हेलोजन्स आ गए, ऑल कॉल्ड हेटरो एटम्स. तो जो आपके मोस्टली एल्कलाइड होते हैं इनके अंदर जो हेटरो एटम होगा वो कौन होता है, दैट इज अ नाइट्रो एटम विच इज द पार्ट ऑफ द रिंग. तो अब जो डेफिनेशन है उसकी कुछ एक्सेप्शन हम देख लेते हैं कि देर आर सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं विच डू नॉट सेटिस्फाई द अबो डेफिनेशन. जो भी हमने आपको डेफिनेशन बताई एल्कलाइड की के वो बेसिक होने चाहिए, उनका कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन होना चाहिए, उनका चाहे क्यूरेटिव एक्शन हो चाहे डिस्ट्रक्टिव एक्शन हो, होना चाहिए उनका. लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते. अभी हमने आपको बताया भी था, एग्जाम्पल भी लिया था हमने पीछे, पिप्रिन. पिप्रिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी हमने स्ट्रक्चर भी ड्रा करके आपको बताई थी कि ये एक ऐसा कंपाउंड जो ना तो बेसिक है, ना इसके अंदर कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन फिर भी ये एल्कलाइड है. फिर भी क्या है, ये एक एल्कलाइड है क्योंकि ये बेसिक और जो दूसरी प्रॉपर्टीज होती है एल्कलाइड की उसके साथ ये मैच कर जाता है. एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लैक पीपर. ब्लैक पीपर जो प्लांट होता है उससे हम पिप्रिन को ऑब्टेन करते हैं, आपके सलेवाई के अंदर भी है. अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं which satisfies the above definition, जो ये definition थी alkaloid की उसके अंदर बिल्कुल fit बैठते हैं, तो वो alkaloid होने चाहिए. लेकिन even though they are not the alkaloid, वो alkaloid नहीं है. जैसे caffeine, caffeine एक ऐसा compound है जो basic definition है alkaloid की, means they are basic in nature, they have some physiological action, वो सारी चीजें ये भी show करता है caffeine, लेकिन फिर भी ये alkaloid नहीं है. तो these called the exception of that particular definition. जैसे थायमीन आपका बेसिक भी है, इसके अंदर हेटरोसाइक्लिक रिंग भी होता है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द एल्कलाइड. ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द लिविंग मैटर. क्योंकि ये सारे लिविंग मैटर के अंदर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने पढ़ा था ना कि जो आपके डीएनए होते हैं आरएनए होते हैं उसके अंदर प्यूरीन पिरिमिडीन दो होते हैं. प्यूरीन कौन सा होता है, एडेनिन, एक थायमीन होता है. तो ये वही थायमीन है जो प्यूरीन के अंदर होता है,
जो किसके अंदर होता है, प्यूरीन। जो प्यूरीन दो टाइप के होते हैं, एक एडेनिन और दूसरा थायमिन, विच इज प्रेजेंट इन द डीएनए। जबकि आरएनए के अंदर थायमिन की जगह कौन आ जाता है, एडेनिन के साथ कौन कंबाइन करता है, बताओ कौन कंबाइन करता है जल्दी से। आपके जो प्यूरीन है वो दो टाइप के होते हैं, थायमिन भी आपके दो टाइप के हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखते हैं। आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, डीएनए के ऊपर आ जाता है कि चार गोल्स रूल को फॉलो करे कि एडेनिन किसके साथ कंबाइन करेगा, थायमिन किसके साथ कंबाइन करेगा, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो प्यूरीन होती है एडेनिन और ग्वेनिन, एडेनिन एंड ग्वेनिन दीज कॉल्ड एज द प्यूरीन, दीज आर द प्यूरीन। प्यूरीन दो ही होती है। और पिरिमिडीन कौन होते हैं, पिरिमिडीन आर थ्री नंबर। देखो कौन कौन होता है, एक तो आपके होगा एडेनिन, एडेनिन के साथ कौन कंबाइन करेगा, थायमिन, जो अभी मैंने आपके सामने नाम लिया, दैट इज द थायमिन, या वो यूरेसिल भी हो सकता है या साइटोसिन। तो आपके प्यूरीन दीज आर टू, दैट इज द एडेनिन एंड ग्वेनिन, और पिरिमिडीन आर थ्री नंबर, दैट इज द थायमिन, यूरेसिल एंड द साइटोसिन। हमेशा एक चार गोल्स रूल आपने डीएनए के दौरान पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड में आपने पढ़ा था कि एडेनिन हमेशा ही थायमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इन केस ऑफ बोलो क्या, डीएनए। लेकिन जो एडेनिन है इट फॉर्म्स द थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स और द टू हाइड्रोजन बॉन्ड, बताएं टू हाइड्रोजन बॉन्ड, दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बोलो किसके साथ, यूरेसिल के साथ इन आरएनए। तो ये बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के अंदर कि इन डीएनए ए कंबाइन करता है टी के साथ, आरएनए में ए कंबाइन करता है यू के साथ। और जो दूसरा पार्ट है ग्वेनिन और साइटोसिन, मींस ग्वेनिन फॉर्म द थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है आप ध्यान रखें, जो मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूं, दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दैट इज द चारगोफ्स रूल इन द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर चारगोफ्स रूल क्या था, पहला पॉइंट क्या था उसका, कि आपके प्यूरीन ऑलवेज कंबाइन विद पिरिमिडीन विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब कौन किसके साथ कंबाइन करे, तो इन डीएनए ए कंबाइन विद डी बाय फॉर्मिंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इन आरएनए ए कंबाइन विद यूरेसिल विद टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, व्हाइल द जी मींस ग्वेनिन, ग्वेनिन कंबाइन विद सी विद थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बोथ डीएनए एंड द आरएनए। तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान रखना, आपको साथ के साथ यहाँ पे बता दी गई है। और यहाँ से इस चीज को आप लेके चलेंगे कि यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, दैट इज द थायमिन विच इज बेसिक इन नेचर, वो थायमिन क्या है, थायमिन इज ए पिरिमिडीन which is present in DNA, तो इतना आपको पता होना जरूरी है। तो हमने बताया ना, it is universally distributed in all the living matter, तो हर एक के अंदर क्या होगा, सेल होगी, सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपके वहां पे डीएनए तो होगा ही, उसी से तो आपको पता है कि जो करेक्टर्स हैं, हमारे जो करेक्टर हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, किसके थ्रू जाते हैं, डीएनए के थ्रू जाते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जैसे टोबैको मोजेक वायरस, उसके अंदर जो करेक्टर है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, एक वायरस से दूसरी वायरस में कैसे जाते हैं, दैट इज द टोबैको मोजेक वायरस। देयर आर सम वायरसेस लाइक द टोबैको मोजेक वायरस इन विच द आरएनए एक्ट एज द हेरिडिटी मटेरियल, व्हाइल इन ऑल अदर्स द डीएनए एक्ट एज द हेरिडिटी मटेरियल। ये चीज आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अकरेंस के बारे में, कैलकुलाइड मिलते कहां पे, जैसे आपको पहले ही हमने बता दिया कि दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द हायर प्लांट्स, बट दे आर फ्रीक्वेंटली लेस फ्रीक्वेंटली अवेलेबल इन द लोअर प्लांट्स एंड द फंगी, उनके अंदर ये बहुत ही कम अमाउंट के अंदर मिलते हैं। ये मिलते कैसे हैं, अगली बात, जैसे हमने पहले बताया एल्कलाइड की डेफिनेशन के अंदर कि इनका नेचर बेसिक है, दे आर बेसिक। तो जो बेस होता है, बेस कौन होते हैं, आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में पढ़ा है, बेसिस आर दोर सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट, जो आपके एसिड के साथ रिएक्ट करके और सॉल्ट बना देते हैं। तो जैसे कि आपके एल्कलाइड है, ये भी आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये इनका नेचर बेसिक है, तो दे ऑल्सो रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे इनके अकरेंस के बारे में, कि दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस सॉल्ट, दे फॉर्म द सॉल्ट विद ऑर्गेनिक एसिड लाइक द एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बारे में आपने सुना है ना, कि जो हमारी मसल्स होती है, जब हम हैवी एक्सरसाइज विग्रस एक्सरसाइज कर लें, तो हमारी मसल्स के अंदर जो कंपाउंड डिपॉजिट हो जाता है, जिससे हमारी मसल थक जाती है, वो कोई कंपाउंड कोई और नहीं, दैट इज द लैक्टिक एसिड। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, लैक्टिक एसिड कैसी स्ट्रक्चर बताई गई थी, बोलो आपको कि कार्बन होता है, जो एक कैसा कार्बन होता है, एक ऐसा कार्बन जिसे आप कायरल कार्बन एटम कहते हैं, जिसमें चार डिफरेंट एटम अटैच हैं, बोलो कौन कौन से थे, एक तो एच होता है, दूसरा कौन होता है इससे थोड़ा बड़ा, CH3 मिथाइल ग्रुप होता है, दो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वन इज द OH, अदर वन इज द बोलो कौन, CH। सो दैट इज द लैक्टिक एसिड स्ट्रक्चर, जिसमें कायरल कार्बन एटम भी होता है। नेक्स्ट, जैसे टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड की स्ट्रक्चर हमने आपको कैसे बताई थी, कि आप दो कार्बन ड्रा कर दें, दोनों कार्बन के ऊपर क्या लगा दें, एक एक CH ग्रुप लगा दें दोनों कार्बन के ऊपर, उसके बाद जो नेक्स्ट दो कार्बन बच गए उनके ऊपर OH ग्रुप लगा दें,
दोनों के ऊपर एक एक OH और बची हुई वैलेंसी आप H से पूरा कर दें, अब जो स्ट्रक्चर बन जाती है दैट इज कॉल्ड एज टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो हमने डेफिनेशन आपको समझाई डिफाइन बेंजो कंपाउंड, तो उस वक्त आप यही एग्जांपल तो लेते थे। नेक्स्ट टैनिक एसिड, एकोनिटिक एसिड एंड सो ऑन, मींस आपके जितने भी एल्कलॉइड है बिकॉज ऑफ देयर बेसिक नेचर दे ऑलवेज फॉर्म ए सॉल्ट विद ऑर्गेनिक एसिड, और इसी फॉर्म में ये सॉल्ट की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे वीकली बेसिक एल्कोलाइड है जैसे कौन, जैसे कि निकोटीन, नर्सीन एक्सेट्रा, ये जो भी आपके, क्योंकि ये वीकली बेसिक होते हैं इसीलिए ये फ्री स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कुछ ऐसे एल्कोलाइड के नाम बताएं जो फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कह देंगे निकोटीन जो आपके सलेवाई के अंदर भी है, इसकी स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन भी है जो हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे आपके सामने स्ट्रक्चर हमने ड्रा की है, निकोटीन की ही है स्ट्रक्चर और ये आपके सलेवाई के अंदर है, इसका स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द निकोटीन, कि इसकी स्ट्रक्चर यही है, यही क्यों है, तो ये आपके सिलेबस के अंदर है। उसके बाद कुछ एल्कलाइड ऐसे भी होते हैं विच ऑल्सो अकर एज ए ग्लाइकोसाइड ऑफ शुगर्स लाइक सोलेनम, वेरिट्रम ग्रुप्स के जो कंपाउंड होते हैं, कुछ एमाइड्स की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं जैसे पिप्रिन की स्ट्रक्चर हमने बताई थी उसके अंदर एक एमाइड बॉन्ड होता है, कुछ आपके इस्टर्स की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि एट्रोपिन, कोकेन आपके सिलेबस के अंदर है, तो ये कुछ कंपाउंड आपके सिलेबस है जैसे निकोटीन मैंने बताया आपके सिलेबाई के अंदर, कोकेन आपके सिलेबाई के अंदर है, आपके पिप्रिन आपके सिलेबाई के अंदर, ये कुछ आपके सिलेबाई के अंदर एट्रोपिन, तो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रा की, पहले भी आपको बताई गई थी ये पिप्रिन की स्ट्रक्चर है। The concentration of the alkaloid in the plant depend upon the season, on the age, on the time, on the basis of the locality. देखो जो आपकी एल्कलाइड की जो कंसेंट्रेशन, मैंने ट्रपिनाइड के बारे में जो आपको पढ़ाया, जब भी हमने आपको बताया था कि जो एल्कलाइड है जैसे कि ट्रपिनाइड्स के बारे में बताया गया था, इनकी जो अमाउंट है किसी भी प्लांट के अंदर वो अलग अलग सीजन में अलग होगी। ऐसा नहीं कि एल्कलाइड की जो अमाउंट है जब हम एक्सट्रैक्ट करने चले किसी प्लांट के अंदर से, हमें एल्कलाइड को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें उससे पहले ये पता होना चाहिए इन विच सीजन द अमाउंट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्कलाइड विल बी मैक्सिमम, कब उसकी मैक्सिमम होगी, तो उसी सीजन के अंदर ही जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उसी सीजन के अंदर ही प्लांट के अंदर से उस एल्कलाइड को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट द सीजन अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो प्लांट भी लिया और उसके अंदर से एल्कलाइड हमें कम अमाउंट में मिली तो उसका कोई यूज नहीं। तो इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि द कंसेंट्रेशन ऑफ द एल्कलाइड इज नॉट सेम इन ऑल द सीजन, और एल्कलाइड की जो अमाउंट होती है उसकी एज के ऊपर भी डिपेंड करती है कि प्लांट जब छोटा है उसकी एज 1 ईयर हो गई, 5 ईयर हो गई, मीन्स कौन सी एज है जब उसके अंदर जो एल्कलाइड है उसकी कंसेंट्रेशन, उसकी अमाउंट मैक्सिमम होगी। दूसरा, उस प्लांट को आप ग्रो करते हैं वो आपके आप रेगिस्तान में ग्रो कर लें, डेजर्ट में कर लें, आप उसके माउंटेन्स वाले इलाके में चले जाए वहां पे कर लें, प्लेन वाले इलाके में चले जाएं, तो मीन्स किस एरिया में आप उसको ग्रो करें और कि वहां पे उसके अंदर जो एल्कलाइड जब एक्सट्रैक्ट करें तो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर एक्सट्रैक्ट होगा। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जो कंसेंट्रेशन होती है एल्कलाइड की, आपसे एग्जाम में पूछ भी लें वरना का क्वेश्चन आ जाए, द कंसेंट्रेशन ऑफ द एल्कलाइड इन द प्लांट डिपेंड किसके ऊपर करती है, तो आप आंसर लिखेंगे वो सीजन के ऊपर भी डिपेंड करती है, उसकी एज के ऊपर भी डिपेंड करती है, वेयर यू आर ग्रोइंग दैट पर्टिकुलर प्लांट, उसकी लोकेलिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो ऐसे आप उस चीज का जवाब लिख देंगे। और ये पाया गया कि जो एक ही प्लांट है, एक प्लांट के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही एल्कलाइड मिलता हो, मींस मेनी एल्कलाइड में अकर टुगेदर इन द सेम प्लांट, एक प्लांट के अंदर एक से ज्यादा एल्कलाइड भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये बेसिक फैक्ट है। और ये पाया गया कि जो ओपियम प्लांट होता है ओपियम, उसके अंदर से 20 जो एल्कलाइड है दे हैव बीन आइसोलेटेड, उनको आइसोलेट किया जा चुका है, तो इसी बेसिस पे हमने ऊपर लिखा था कि इट इज फाउंड दैट द मेनी एल्कलाइड मे अकर टुगेदर इन द सेम प्लांट। उसके बाद हम देखेंगे इनके फंक्शंस, कि एल्कलाइड्स के फंक्शन क्या है। जो एल्कलाइड होते हैं जैसे मैंने बताया डेफिनेशन के अंदर हमने देखा कि जितने भी एल्कलाइड हैं उनके अंदर आपके एक हिट्रोसाइक्लिक रिंग जरूर होगा और उस हिट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नाइट्रोजन जरूर होगा एज ए हिट्रो एटम, तो मींस दे आर द गुड रिजर्व ऑफ नाइट्रोजन। जितने भी एल्कलाइड होते हैं दे आर द गुड रिजर्व ऑफ द नाइट्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन के अंदर कि जो एल्कलाइड होते हैं इनके दोनों तरह के एक्शन होते हैं, इनके फिजियोलॉजिकल एक्शन दोनों टाइप के होंगे, दे मे बी द क्यूरेटिव एक्शन और दे मे बी द डिस्ट्रक्टिव एक्शन। ऑन दैट बेसिस हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, दे मे एक्ट एज द पॉइजनस सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हर्बीवोर्स। देखो कुछ आपके एनिमल्स का काम क्या है, जो हर्बीवोर्स वो क्या है, वो दे आर द प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज द हर्बीवोर्स, तो जो हर्बीवोर्स प्लांट खाएंगे, लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर प्लांट को खा लेंगे तो उनकी डेथ भी हो सकती है, तो मीन्स जो प्लांट है वो चाहते हैं नेचर के अंदर वो बचे रहे
और ये एक टेंडेंसी होती है ह्यूमंस की भी, आपके एनिमल्स की भी, एक लाइन में जब एनिमल्स चलते हैं, उन्होंने एक पहले एनिमल्स ने वो प्लांट खा लिया और उसने देखा कि वो बेहोश होके गिर गया, मर गया, तो इतनी सेंस हर एक के अंदर होती है एनिमल्स के अंदर कि अब बचे हुए जो प्लांट आपके एनिमल्स हैं वो उस प्लांट को नहीं खाएंगे। अब उनके अंदर ये सेंस डेवलप हो जाती है जो जनरेशन टू जनरेशन फिर पास आउट भी हो जाते कि हमें उस प्लांट को नहीं खाना क्योंकि उस प्लांट वो डेंजरस प्लांट है। तो मीन्स वो प्लांट बच गया नेचर के अंदर, अब उसको कोई खाएगा नहीं एनिमल। तो मीन्स कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसा केमिकल होता है जो उसके लिए वरदान है, वो पॉइजनस सब्सटेंस जो उसके अंदर है वो उसको उन सभी हर्बीवोर से बचा रहा है क्योंकि हर्बीवोर सब उस प्लांट को तो नहीं खाएंगे। तो इसीलिए हमारा ये सेकंड पॉइंट बच गया, दैट इज द फंक्शन ऑफ द एल्केलाइड कि दे मे एक्ट एज द पॉइजनस सब्सटेंस व्हिच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हर्बीवोर्स। लेकिन वो पॉइजनस तो है लेकिन किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए उसको यूज किया जा सकता है इन ए वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, माइक्रो अमाउंट में उसको ले ले, नैनो अमाउंट के अंदर उसको ले ले और फिर उसको एज ए मेडिसिन की फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। जितने भी आपके एल्केलाइड है दे एक्ट एज द स्टिमुलेंट्स, दे एक्ट एज द रेगुलेटर्स इन द प्लांट्स लाइक द हार्मोन्स, जैसे कि प्लांट के अंदर हार्मोन होते हैं आपने देखा, दे रेगुलेट द डिफरेंट प्लांट एक्टिविटीज, प्लांट के अंदर जितनी एक्टिविटी है जैसे ग्रोथ होनी है उसकी, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द हार्मोन्स, हार्मोन्स की वजह से होती है। जितनी भी मेटाबोलिक एक्टिविटीज चलती है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस चलती है, ग्रोथ की जो प्रोसेस चलती है वो किस वजह से होती है, वो हार्मोन्स की वजह से होती है। तो सिमिलरली जो एल्केलाइड्स होते हैं दे एक्ट एज द स्टिमुलेंट्स, दे एक्ट एज द रेगुलेटर इन द प्लांट्स लाइक दैट ऑफ द हार्मोन्स। जैसे आपके सामने अभी स्ट्रक्चर बनाई है हमने, ये सेकंड स्ट्रक्चर निकोटीन की हमने बनाई, पहली स्ट्रक्चर जैसे कोनीन की स्ट्रक्चर थी, इनके अंदर हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जो एल्केलाइड होते हैं दे आर जनरली कलरलेस, दे आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ एल्केलाइड ऐसे भी हैं जैसे आपके सिलेबस के अंदर भी हैं, जैसे ओनीन हो गया, निकोटीन हो गया, दे आर लिक्विड, दे आर सोल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, दे आर सोल्युबल, ये वाटर के अंदर बोलो क्या होंगे, दे आर सोल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, ये स्ट्रक्चर बोलो किसकी है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोनीन, जैसे मैंने अभी बताया ऊपर हमने लिखा कि जैसे कोनीन निकोटीन दे आर लिक्विड। सेकंड स्ट्रक्चर देखें, ये निकोटीन की स्ट्रक्चर है। कुछ एल्केलाइड ऐसे भी होते हैं विच आर कलर्ड लाइक द बारबेरिन, ये येलो कलर का होता है। जो एल्केलाइड होते हैं जनरली बिटर इन टेस्ट, ये इनका टेस्ट कड़वा होता है, ये क्या होते हैं आपके कड़वे होते हैं टेस्ट में। दे आर मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे अपने टर्पिनॉइड्स के बारे में पढ़ा जो हमारा लास्ट यूनिट थी जिसमें टर्पिनॉइड के बारे में आपको बताया गया, दे आर मोस्टली आपने क्या देखा था, वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबाई में जो दो कंपाउंड थे, एक सिट्रल था एक सिरेनियोल था, दोनों के दोनों आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव थे। लेकिन जो एल्केलाइड होते हैं दे आर मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव। आपके सामने स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, अभी आप इस स्ट्रक्चर को खुद देख सकते हैं। इनके अंदर आप देखें, देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के आप ऊपर देखो, देखो मैंने स्टार लगा दिया, आप ध्यान से देखिए इस कार्बन के चार बॉन्ड देखें, देखो वन कौन है यहाँ पे एच, दूसरा कौन है देखो ये प्रोपाइल ग्रुप, और दोनों साइड से आप देखें जो आपका रिंग वाला पार्ट है इस साइड में चले तो यहाँ पे कार्बन है, दूसरी साइड में चले तो देखो नाइट्रोजन है। मीन्स ऑल द फोर ग्रुप आर डिफरेंट, ऑल द फोर ग्रुप आर डिफरेंट, इसीलिए इसके अंदर ये काइरल कार्बोनेटम यहाँ पे हो गया। ऐसे आप यहाँ पे देखो, देखो ये जो कार्बन है इसके एक एच लगा हुआ है देखो इसके ऊपर, ये क्या है, दैट इज द काइरल कार्बोनेटम, क्योंकि एक साइड में देखे नाइट्रोजन है, दूसरी साइड में देखे यहाँ पे देखो कार्बन है, तीसरी साइड में देखो ये आपका रिंग आ गया, इसका कार्बन आ गया। मीन्स देर आर फोर डिफरेंट ग्रुप विच आर अटैच ऑन दैट पर्टिकुलर कार्बोनेटम जिसके ऊपर हमने एस्ट्रिक लगा दिया, स्टार लगा दिया, तो काइरल कार्बोनेटम है। तो काइरल कार्बोनेटम होने की वजह से जो ये कंपाउंड है, जैसे आपका कोनीन हो गया, ये कोनीन हो गया, देखो फर्स्ट वन इज द कोनीन, ये कोनीन है, सेकंड वन कौन था, देखो निकोटीन है, ये आपके क्या हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसलिए हम कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द एल्केलाइड आर ऑप्टिकली एक्टिव। हमने पहले ही बता दिया दे आर मोस्टली एक्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन सॉल्ट ड्यू टू देयर बेसिक नेचर, क्योंकि इनका नेचर बेसिक होता है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट लॉन पेयर दे आर बेसिक इन नेचर। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि कौन सा नाइट्रोजन ऐसा है जो इजिली लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। पहले वाले कंपाउंड में देखे कोनिनिस के पास नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सो इट कैन इजिली डोनेट देयर लॉन पेयर। सेकेंड वाले में देखें ये पायरोलिडिन रिंग है, इसके पास जो नाइट्रोजन है इट कैन इजिली डोनेट देयर लॉन पेयर। दूसरा भी नाइट्रोजन है लेकिन वो जो नाइट्रोजन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो वो जो इजिली डोनेट कर सकता है लॉन पेयर वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनेटम होता है। बट ड्यू टू देयर बेसिक नेचर
they mostly form the salt, they form the crystalline salt due to their basic nature. They mostly contain one or the two nitrogen atom in their ring, in their skeleton. जैसे आपने देखा पहले कोनीन की जो structure थी इसके अंदर एक ही ring है और उसके अंदर nitrogen present है, एक नाइट्रोजन है। दूसरे में आप देखें निकोटीन की जो स्ट्रक्चर है, ये सेकंड वाली निकोटीन की स्ट्रक्चर, इसमें देखो दो दो हेटरोसाइक्लिक रिंग है, दो दो नाइट्रोजन है। वो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो कैसे हैं, जैसे आपने पढ़ा था ना एमीन्स के बारे में, प्राइमरी एमीन्स, एमीन की क्लासिफिकेशन प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, क्वार्टरनरी एमीन। तो ऐसे ही आप डिफरेंट नाइट्रोजन के बारे में, उनके नेचर के बारे में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, वो कैसी नाइट्रोजन है। जैसे आप निकोटीन में देखें फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो ये है, इसमें ये जो नाइट्रोजन है देखो इधर भी कार्बन से अटैच, इधर भी कार्बन से अटैच, तो बोलो ये नाइट्रोजन कैसी हो गई। सो दैट इज ये अपने sp3 तो थी ही, लेकिन ये आपकी सेकेंडरी नाइट्रोजन है। बोलो कैसी है, सेकेंडरी नाइट्रोजन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट में आप देखें ये जो नाइट्रोजन है देखो ये पाइरोलिडिन वाली, ये देखो इधर से कार्बन से अटैच, दूसरे कार्बन से, इधर CH3 वाले कार्बन से, सो दैट इज द टर्शियरी नाइट्रोजन एटम। इसमें देखे दूसरा जो रिंग है इसके अंदर भी नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच, इधर एक कार्बन से और दूसरी बार भी फिर कार्बन से, तीन बार कार्बन से हो गए ना, तो दैट इज द टर्शियरी नाइट्रोजन एटम, तो टर्शियरी स्टेट हो गई। तो मीन्स यहाँ पे आपने निकोटीन में देखा कि दोनों ही नाइट्रोजन टर्शियरी स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, जबकि कोनीन में देखा तो वो जो नाइट्रोजन है वो आपकी सेकेंडरी स्टेट के अंदर, सेकेंडरी अमीन है, और निकोटीन के अंदर टर्शियरी अमीन है। सो दे मोस्टली कंटेन वन ऑफ द टू नाइट्रोजन एटम यूजली इन द टर्शियरी स्टेट इन द रिंग, जैसे कि निकोटीन में देखा, और दे मोस्टली रिएक्ट विद द CH3I, क्योंकि CH3I के साथ रिएक्ट कर देंगे और टू फॉर्म द बोलो क्या एडक्ट। देखो कैसे बनाएंगे वो एडक्ट, अब देखो रिएक्शन भी अगर हम लिख के देखें, किसी भी एक की आप लिख के देख सकते हैं यहाँ पे, जो रिएक्शन बड़ी सिंपल सी चलेगी, कॉमन सी। जैसे मैंने बताया ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, इजिली लोन पेयर को डोनेट करेगी। अगर हम इसकी रिएक्शन दिखा दें देखो इस स्टेप से CH3I के साथ, तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर कार्बन को दिए, आई लेके चला गया। अब इसके बाद आगे क्या बन गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ आई नेगेटिव होगा, मींस आपका सॉल्ट बन गए, मींस दे मोस्टली रिएक्ट विद द CH3I टू फॉर्म द क्रिस्टलाइन एडक्ट, मींस सॉल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। अब इनके नोमेनक्लेचर अगर हम देखें तो इसके लिए कोई सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर नहीं है एल्कलाइड का, ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। Hence, the naming of the alkaloid is done in number of the ways. देखो वो different ways क्या हो सकते हैं। कुछ alkaloid हैं, उनकी naming हम कैसे करते हैं? Most of the alkaloid are named on the base of the plant name from where they are being extracted, जहाँ से हमने इनको extract किया है। जैसे papaverine जो नाम आया आपके alkaloid का कहाँ से आया? From the papaver somniferum, इस plant से इसको क्या किया गया था? Extract किया गया है। ये इसकी structure आ गई। पेपेवेरिन की स्ट्रक्चर है। जैसे बेरबेरिन ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया? फ्रॉम द बेरबेरिस वल्गेरिस एल। सेकंड वे इसकी नोमेनक्लेचर का, देयर आर फ्यू एल्कलाइड व्हिच आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, मॉर्फिन का मतलब होता है मॉर्फियोस, मॉर्फिन लिख दें या मॉर्फियोस भी लिख सकते हैं, PHEOS, आप यहाँ पे IN की बजाय EOS लिख दें, उसका मतलब होता है गॉड ऑफ ड्रीम्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मॉर्फिन को अगर ले ले तो ड्रग एडिक्शन हो जाती है, उसकी आदत पड़ जाएगी बार बार लेने की, इसको लेने के बाद वो उसको नशा हो जाता है, इंसान अपनी ही दुनिया में चला जाता है, उसको सब कुछ अलग ही दिखाई देता है, मिस गॉड ऑफ ड्रीम्स, उसको भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है ये, क्या दुनिया में अपनी में चला जाना, ड्रग एडिक्शन हो जाती है। तो देयर आर फ्यू एल्कलाइड व्हिच आर नेम्ड ऑन द बेस ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल एक्शन, ये इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन। ये मॉर्फिन की स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दिया आपके सामने। इसके बाद नेक्स्ट है, देयर आर फ्यू एल्कलाइड व्हिच आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द डिस्कवरर, किसने उस एल्कलाइड की खोज की थी उसके बेसिस के ऊपर। जैसे जितने भी आपके पहले टायरीन ग्रुप एल्कलाइड है उनका नाम किस बेसिस पे रखा गया, दे आर डिस्कवर्ड बाय पेजी पी जे पेलेटायर, इसके ये साइंटिस्ट था और इसने खोज की थी जितने भी एल्कलाइड की, तो उसको कह दिया गया दे आर दी पेलेटायरन ग्रुप एल्कलाइड्स। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, देर आर मेनी मेथड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कलाइड। फर्स्ट क्या होगा, ऑन द बेस ऑफ देयर फैमिली, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं, जो एल्कलाइड होते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ द फैमिली इन विच दे आर प्रेजेंट एंड इट इज द यूजुअल मेथड। ये यूजुअल मेथड आमतौर पे इसको यूज किया जाता है। जैसे
The alkaloid which are present in the solanacea family are called as the solanaceous alkaloid, and so on. Next classification on the basis of the use or their physiological action, जिसे physiological classification भी आप कह देते हैं, जो alkaloids हैं, they can be classified on the basis of their use or the physiological action. Example जैसे analgesic alkaloid, जो painkiller type के alkaloid होंगे, उस category में डाल दिए जाएं, उनको कह देंगे हम analgesic alkaloid. जो heart diseases से related होंगे, cardioactive alkaloids उन्हें कह देंगे हम. Next आ जाता हूँ the basis of their biosynthesis, biosynthetic classification. Means the alkaloid can be classified on the basis of the type of the precursor used by the plants in the synthesis of the alkaloids. कि उनका precursor कौन है? जैसे for example morphine, अभी बताया गया था आपको morpheus, यानी dream, यानी भगवान के दर्शन हो जाना. Narcotine, colchicines are the list of the phenylalanine tyrosine derived bases. Next हम देखते हैं on the basis of the fundamental ring structure in their skeleton, chemical classification जिसे आप कहते हैं. जो alkaloid हैं, they can be classified on the basis of the fundamental ring structure in their skeleton. जैसे quinine, quinine is a quinoline alkaloid, papaverine is a isoquinoline alkaloid, morphine is a phenanthrene alkaloid. अब आप इनकी structure अगर देखें, quinine में देखें, quinine, इसमें quinoline ring है. आप ध्यान से देखें, जो ये ring आपको दिख रहा है, बोलो ये कौन है? देखो ये इतना पार्ट क्या है? That is the quinoline ring. So on that basis, they are the quinoline alkaloid. Next को आप देखें, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम next देखें यहाँ पे इसी टाइप से, ये next को आप देखें, morphine. Morphine के अंदर क्या है? Phenanthrene alkaloid. क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो three ring है. देखो one ring, देखो ये second ring, उसके बाद ये third ring. आपने देखा है? फेनेंथ्रीन की स्ट्रक्चर, जैसे आप पढ़ते हैं ना नेप्थलीन जिसके अंदर दो बेंजीन रिंग होते हैं, उसके बाद आपने पढ़ा एंथ्रासीन जिसमें थ्री बेंजीन रिंग होते हैं इन द स्टेट चेन, लेकिन फेनेंथ्रीन वो आपका हाइड्रोकार्बन होता था जिसके अंदर थ्री बेंजीन रिंग होते थे लेकिन नॉट इन द स्टेट चेन. देखो जैसे वन बेंजीन रिंग, ये सेकेंड बेंजीन रिंग, अगर हम लाइन में लगा देते ना देखो ऐसे थर्ड बेंजीन रिंग, तो उसे आप क्या कहते थे? एंथ्रासीन. लेकिन अगर हम थर्ड बेंजीन रिंग को ऐसे ना लगा के देखो नीचे की साइड आप लगा देते देखो इस टाइप से, so that is called as a phenanthrene. यहाँ पे भी तो ऐसा ही हुआ है, ध्यान से देखें, देखो फर्स्ट रिंग, ध्यान से देखना फर्स्ट रिंग, उसके बाद देखो सेकंड रिंग, ये भी स्टेट चेन में, थर्ड देखो साइड में आ गया रिंग. तो इसलिए हम कह रहे हैं they are the phenanthrene alkaloid. Morphine is a phenanthrene alkaloid. Next हम देखेंगे about the isolation or the production of the alkaloid. कैसे हम इनको isolate करते हैं? तो basic बातें इनकी, the isolation of the pure alkaloid is a very laborious process which generally been takes place as follows. Means point number one, the determination of the presence of an alkaloid. Means the presence of the alkaloid in the plant is determined by using the different reagents, काफी reagent है, and these reagent generally been called as the alkaloid reagent. For example, ये नाम आप जरूरी याद रखना, जो वन वन करके हम आपको बताएंगे, जैसे Mayer's reagent, ये क्या होता है? That is a potassium mercuric iodide. ऐसे पूछ भी ले, नाम पूछ भी सकते हैं, किसी और competition exam में आपसे पूछ ले. Second, the Dragondorff's reagent, that is a potassium bismuth iodide. ये नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे. Wegener's reagent, if the iodine dissolved in the KI, that called as the Wegener's reagent. Hager's reagent, the saturated solution of picric acid in water, that is called as the Hager's reagent. Picric acid आपने पढ़ा है ना? क्या होता है? 2,4-6-trinitrophenol का picric acid कहते हैं. 2,4-6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, आपने ये पढ़ा भी है काफी बार, और प्रैक्टिकल जब आप करते थे तो आपको ये कहा जाता था. एक ऐसा कंपाउंड है ये, जब हम भी कभी पढ़ते थे तो उस दौरान देखो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल का पिक्रिक एसिड कहते हैं. एक ऐसा कंपाउंड है, इसके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब आप ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप डिटरमिनेशन करते हैं हाइड्रोकार्बन का, तो उस दौरान हम पिक्रेट्स बनाते हैं. चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, हमारे पास टीचर ने हमें दे दिया, और मान लीजिए नेप्थलीन दे दिया हमें, हमने डिटरमाइन कर लिया द गिवन कंपाउंड इज द नेप्थलीन, फिर उसका डेरिवेटिव बनाया जाता लास्ट में, तो हम पिक्रेट्स बनाते थे. पिक्रेट किसकी हेल्प से बनाते थे? इसी पिक्रिक एसिड की हेल्प से बनाते थे, कि सॉल्वेंट लिया, पिक्रिक एसिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, जो हमारा हाइड्रोकार्बन निकला जैसे नेप्थलीन, उसको सॉल्वेंट में दोनों को आपस मिक्सअप कर दिया, चैनल डिश के ऊपर रखा, नीचे से हीट किया, और एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन जाता था. और फिर आपसे पूछा जाता था जनरली व्हाई दैट कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. दैट कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू द
चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। पिक्रिक एसिड के बारे में एक चीज और भी प्रसिद्ध थी कि पिक्रिक एसिड को जब आप हाथ में ले लेते हैं तो हाथ पीले हो जाते हैं। तो उस टाइम मजाक करते थे हम स्टूडेंट्स जब होते थे आपस में कि भाई आपके हाथ पीले हो गए। हाथ पीले का मतलब जनरली कहावत होती ना, हाथ पीले हो जाने का मतलब शादी हो जाना, तो मीन्स मैरिज हो जाना, तो हाथ पीले होना कहते हैं उसको। तो पिक्रिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है, इसको बड़ी सावधानी से इसलिए टीचर हमें बताते थे कि आमतौर पर जनरली आप अच्छे से इसको याद करना क्योंकि हाथ पीले हो जाएंगे और जो येलो कलर के आपके हैंड हो जाते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से फिर ये कलर उतरता था। नेक्स्ट आ जाता है मार्क्विस रिएजेंट कंसंट्रेटेड जो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है, फ्रोहेड्स रिएजेंट जो मोलिब्डिक एसिड होता है उसको फ्रोहेड्स रिएजेंट्स कह देते हैं, अर्ट्समान रिएजेंट HNO3 को कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो हमने डिटरमाइन कर लिया कि एल्कोलाइड प्रेजेंट है तो इन डिफरेंट रिएजेंट की हेल्प से हम एल्कोलाइड की प्रेजेंस को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हम सेपरेट करते हैं विद द सेपरेशन ऑफ द एल्कोलाइड फ्रॉम द एक्सट्रानियस प्लांट मेटेरियल। द एल्कोलाइड्स आर जनरली बीन सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सट्रानियस प्लांट मेटेरियल, जैसे ओपियम कंटेन्स 10% मॉर्फीन, सिंकोना कंटेन्स 5-8% क्विनीन, राउवोल्फिया सर्पेंटाइन रूट्स कंटेन 0.1-0.2% रेसरपाइन, ये इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल एल्कलाइड फ्रॉम द क्रूड एक्सट्रैक्ट। क्रूड ऑयल होता है जैसे जिसके अंदर से क्रूड ऑयल के अंदर पेट्रोल डीजल इनको सेपरेट किया जाता है, सिमिलरली क्रूड एक्सट्रैक्ट है हमारे पास उसके अंदर से हम सेपरेट करते हैं। तो इंडिविजुअल एल्कलाइड आर बीन सेपरेटेड फ्रॉम द क्रूड एक्सट्रैक्ट और उसके बाद हम उसको क्या कर लेते हैं फिर प्यूरिफाइड कर लेते हैं, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द एल्कलाइड्स, उसकी अकरेंस, उनकी प्रॉपर्टीज। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी आप जरूर ध्यान रखें। थैंक यू।